एवरीवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन का डोरमेट देखिए जिसके लिए हमने दो प्रकार की यहाँ पर उल्ले रखी है इसी से बनाएंगे बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा देखिए सबसे पहले हमें इस तरीके से दो कलर की आपको साड़ी चुननी अगर आपके पास है तो आप साड़ी चुननी से भी बना सकते हैं मैं यहाँ पर उल्ले रही हूँ ठीक है तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर दो कलर के हम ऊल लेंगे और इस तरीके से फंदे डालेंगे जो आपके पास डार्क ऊल हो वो आप उससे फंदे डालिएगा और जो लाइट कलर हो वो आपको बीच में रखना है ठीक है तो इस तरीके से मैंने देखिए ब्लैक कलर से यहाँ पे आउटलाइन के लिए फंदे डाल रखे हैं ठीक है देखिए फंदे डालने के बाद सबसे पहले फर्स्ट रो में हम यहाँ पे येलो कलर को ऐड करेंगे इस तरीके से देखिए एक तो सेम प्रोसेस में आपको इसी तरीके से बनाना है ठीक है आप अगर साड़ी चुन्नी से भी बना रहे हैं तो भी आपको इसी तरीके से बनाना है इस चीज़ को आपको ध्यान देना है तो देखिए अब यहाँ से हम आगे की साइड यहाँ पे सभी फंदों को बुनेंगे देखिए आप चालीस का बना रहे हैं तो चालीस फंदे इस तरीके से डालिए उसके बाद यहाँ से बनाना स्टार्ट कीजिए ठीक है तो यहाँ पे हम देखिए इस तरीके से दो तो चार तो छः तो आठ एक नौ ठीक है दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, उन्नीस देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे इस तरीके से मैं यहाँ पे तीन फंदे छोड़ रही हूँ नीचे की साइड पे क्योंकि मुझे यहाँ पे बीच के साइड में थोड़ा सा ब्लैक कलर का डिज़ाइन देना है तो यहाँ पे तीन फंदे हम छोड़ रहे हैं अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो आप यहाँ पे चार पांच भी छोड़ सकते हैं तो इसके बाद देखिए सीधी साइड से कुछ भी नहीं करना जो जैसे होता है वैसे ही हमें यहाँ पे बुनना होता है ठीक है देखिए अब सीधी साइड से हमने इतने फंदे बुन लिए और ये देखिए लास्ट का एक फंदा इसे इस तरीके से बुनेंगे सीधी साइड से ठीक है यहाँ पे बुन लिया पलट देंगे देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे पलट दिया और यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे क्या करना है एक दो तीन ठीक है मैं यहाँ पे तीन फंदे ले रही हूँ ऊपर की साइड पे अब यहाँ पे आपको इस तरीके से बुनाई करनी है देखिए यहाँ से तीन फंदे हमने लिए तीनों फंदे हम इस तरीके से बुनेंगे एक दो थीके? तीन ठीक है तीन फंधे हमने यहाँ पे बोल लिए चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे दो फंदे नीचे की साइड छोड़ देने हैं पलट लेने हैं ठीक है यहाँ से अब ऊपर की साइड जाएंगे कंप्लीट रो बनाएंगे दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस ठीक है इस तरीके से हमने जो फंदे यहाँ पे डाले थे सभी फंदे बुन लिए अब यहाँ से देखिए इस तरीके से एक बार गोल राउंड करेंगे एक फंदा बढ़ाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह दो छोड़ेंगे पलट देंगे यहाँ से अब देखें ऊपर के साइड पे. तरीके से हम सभी फंदों को बुनेंगे ठीक है यहां से तो इसी तरीके से ऊपर की साइड जाएंगे ये देखिए इस तरीके से आपको भी बुनना है आप भी साथ में बुनते चलें, ठीक है इस तरीके से अब यहाँ पे देखें सभी फंदे हमने बुन लिए अब यहां से पलट देंगे फिर से इस रो में हम एक फंदा बढ़ाएंगे ठीक है इस तरीके से एक फंदा गोल राउंड करना है एक फंदा बढ़ाना है ठीक है यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे दो इसी तरीके से नीचे की साइड जाएंगे दो फंदा छोड़ेंगे पलट देंगे फिर से नेक्स्ट रो में हम एक फंदा बढ़ाएंगे इसी तरीके से हमें चार रो में एक एक करके फंदा बढ़ाना है ऊपर की साइड पे और नीचे की साइड पे हमें दो दो करके छोड़ते जाना है ठीक है यहाँ पे एक एक फंदा चार रो में बढ़ाएंगे फर्स्ट रो में हमने तीन फंदे बढ़ाए फिर एक दो एक एक करके हमने दो फंदे बढ़ा चुके और यहाँ पे देखें दो फंदे हमने दो दो करके छोड़े फर्स्ट रो में हमने तीन फंदे छोड़े फिर दो, दो चार अब दो फंदे और छोड़ेंगे यहाँ पे ये यह देखें इस तरीके से दो फंदा छोड़ना है पलट लेना है इसी तरीके से हम अभी यहाँ पे दो रो और बनाएंगे जिसमें एक एक फंदा बढ़ाएंगे ठीक है अब देखिए यहाँ पे हमने एक एक करके चार फंदे यहाँ पे बढ़ा लिए ठीक है उसके बाद देखें यहाँ से इसे अब यहाँ पे हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है सिर्फ ऐसे ही बुनना है बीच के गोल राउंड देने के लिए देखिए इस तरीके से यहाँ पे ऊपर की साइड में फंदे तो नहीं बुनने हैं नीचे की साइड पे हमें दो फंदे छोड़ने हैं ठीक है थीके? जैसे हम हर बार में छोड़ते आए हैं उसी तरीके से नीचे की साइड पे दो फंदे छोड़ के पलट लेना है इस तरीके से देखें यहाँ पे दो फंदे छोड़ देंगे और पलट देंगे दो दो चार दो छः दो आठ ठीक है यानी कि चार रो में हमने एक एक फंदे बढ़ाया और यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाया दो फंदे छोड़ दें अब यहाँ से पलट देंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात तो वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले आप हमारी डिज़ाइन को देख सके मैं डेली एक वीडियो अपलोड करती हूँ जैसे आपको पता है तो न्यू है तो नहीं पता है तो प्लीज़ वीडियो को ऑल पे सेट करें ताकि आप सबसे पहले हमारी डिज़ाइंस को देख सकें ठीक है तो इस तरीके से देखें अब यहाँ पे नीचे की साइड पे जाएंगे और दो तो फंदे यहाँ पे छोड़ते हुए मैं फिर से यहीं से पलट दूँगी ठीक है इस तरीके से पलटना है अब ऊपर की साइड पे जाते हुए सेम प्रोसेस में बुनना है ठीक है आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता है सेम प्रोसेस में बुनना होता है क्योंकि बीच की जो दो रो होती हैं वहाँ पे हमें गोलाई देनी होती है जिसके लिए यहाँ पे कोई फंदा बढ़ाना नहीं होता है सेम प्रोसेस में बुनना होता है ओके तो यहाँ पे देखें एक और दो यानी कि हम इस चीज़ को गोल करने के लिए यहाँ पे दो फंदे बराबर से बुनते हैं उसके बाद आप देखें यहाँ पे फिर से हम दो रो में बराबर ही बुनेंगे यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता है क्योंकि ये बीच की रो के साइड के नीचे की साइड के हमारा जाता है तो यहाँ पर भी दो रो यानी कि दो इधर से दो उधर से चार रो में ऊपर के साइड इसी तरीके से बनाते हैं ठीक है अब यहाँ पे देखें दो फंदा छोड़ते हुए पलट लेना है ऊपर के साइड जाएंगे इस तरीके से ये बहुत ही ईजी और बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है तो देखिए अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें ठीक है अब यहाँ पे देखें सीधी साइड से नहीं लेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन देनी है तो यहाँ पे सीधी साइड से फंदा लेके उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे एक रो फिर से बनाएंगे सेम प्रोसेस में जो फंदे हमने छोड़े थे अब हमें यहाँ पे नीचे की तरफ टर्न करना है तो देखें यहाँ से नीचे की सर, तरफ जाना है तो जिसके लिए हमें यहाँ पे अब दो दो बार करके जो फंदे हमने यहाँ पे छोड़ रखे थे वहाँ से हम देखें इस तरीके से यहाँ तक कि हमने फंदे छोड़े थे एक फंदा जो छोड़ा था उसमें से बुनेंगे और पलट देंगे इस तरीके से अब इसे वन साइड से बुनना है वन साइड से उतार लेना है दो तीन चार पाँच इस तरीके से हम ऊपर के साइड जाएंगे ये देखें और यहीं से पलट देंगे ठीक है तो यहाँ पे चार रो हमने गोलाई के लिए बना ली दो इस साइड से दो नीचे की साइड से यानी कि चार रो बीच में हमारी बराबर बनेंगी अब यहाँ से हम दो का एक करेंगे ठीक है एक एक फंदा हमने चार रो में यहाँ पे बढ़ाया था तो चार फंदे एक एक करके रो में हम बढ़ाएंगे और नीचे की साइड जो दो दो करके हमने छोड़ रखे यहाँ पे दो दो करके नीचे की साइड बुनते जाएंगे ठीक है आप देखिए यहाँ पे हमने चार रो इस तरीके से बना ली यानी कि एक एक फंदे चार रो में हमने कम कर दिए अब यहाँ पे हमने तीन फंदे एक साथ में बढ़ाए थे तो देखिए यहाँ पे एक दो तीन ठीक है तीन फंदे मैंने यहाँ पे एक साथ में बंद कर दिए आप देखें यहाँ से इस तरीके से देखें यहाँ पे हम ब्लैक कलर को ऐड करेंगे तो देखिए इस तरीके से देखिए इस तरीके से हमारी एक पत्ती यहाँ पे बन के रेडी हो गई अब यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे येलो कलर को ऐड किया था उसी तरीके से फिर से हम यहाँ पे येलो कलर को ऐड करेंगे और इसी तरीके से हम पत्तियाँ बनाते जाएंगे तो ये डिज़ाइन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट बना के दिखाऊँगी ठीक है